नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। कश्मीर की बारामूला जेल में मिले मोबाइल, अलगाववादी करते हैं पाकिस्तान में बात। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर बताया, ईरान में हिरासत में लिए गए 15 तमिल मछुआरे रिहा कर दिए। अब लालू यादव का ईवीएम पर निशाना, कहा गड़बड़ी नहीं तो क्यों बदली जा रही हैं 10 लाख मशीनें। बिहार में बांका जिले के सदर थाना क्षेत्र में छात्रा की मौत के बाद उग्र लोगों ने 6 ट्रकों में आग लगाई, बांका देवघर मार्ग पर चक्का जाम किया। आपके पूर्व नेता प्रशांत भूषण पर हिंदुओं की भावना आहत करने के आरोप में लखनऊ में मुकदमा दर्ज। दिल्ली विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अमरीश गौतम भाजपा में शामिल। आप विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के केलापुर गांव में स्कूल में कोबरा घुसा, परीक्षार्थियों में हड़कंप। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में रजाली पट्टी गांव में राज्य परिवहन निगम की बस साप्ताहिक बाजार में घुसी, 2 लोगों की मौत, 20 अन्य घायल। तमिलनाडु के मामल्लापुरम में भारत भ्रमण के लिए आई जर्मन महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। लिएंडर पेस की रैंकिंग में फुधार, सानिया 7वें नंबर पर बरकरार। महिला हॉकी में बेलारूस को 1-0 से हरा, सेमीफाइनल में भारत। आईपीएल की तैयारी, इंदौर के होलकर स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब ने किया कड़ा अभ्यास। एसआर ग्लोबल ने बीपीओ कारोबार एजिज का किया सौदा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।